साथियों नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद है बनारस के सारनाथ में, जहां पे बौद्धों का अपमान किया गया था। यहां पे कुछ दिन पहले जो है बौद्ध भिक्षुओं को अंदर जाने से मना कर दिया गया था, प्रशासन ने रोक लगा दी। तो यहां पे जो है पूरी तैयारी के साथ बौद्ध अनुयायी जो है एक प्रदर्शन दिखा रहे हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, किस तरह का संदेश देते हैं, क्या कहना चाहते हैं वो लोग, बात करने की कोशिश करेंगे। लगातार हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को देखिए। समझने का समझिए, एक विचारधारा की अभी लड़ाई हो चुकी है, क्योंकि हिंदुत्व में सिर्फ उसमें हिंदुत्व में जातिवाद है। जब चुनाव ये तमाम चीजें आते हैं तब आपको जातियों में नहीं हिंदुत्व में बांटते। चुनाव बीतते हुए आपको दलित 85 SC ST माइनॉरिटी तब आपको निकलपासी धनकार में बांट दिया जाता है, लेकिन बौद्ध धर्म यह बताता है सिर्फ यह मानवता का प्रतीक होता है। और इस बौद्ध धर्म में सभी को RSS को यानी RSS का डर है कि जो हिंदुत्व का भगवा कलर का जो चोला रंगे हैं वो अब डूबने वाला है, क्योंकि जो बौद्ध मत जो भारत पूरा विश्व में फैल रहा है और पूरा यहाँ 85 जो कम्युनिटी है अब वो जाग रहा है, क्योंकि हमको विश्वास करना है तब हम उसको मानेंगे। और इसी मानवता के चलते हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको यहाँ तकलीफ हो रहा है क्योंकि उनका चुनाव ही हिंदुत्व पे टिका हुआ है। यहाँ के जो प्रधानमंत्री या CM योगी उत्तर प्रदेश के हैं वो भी जो है बौद्ध धर्म को ख़त्म करने में लगे, यहाँ पे सुनने को मिल रहा है। हमारे साथ में जितेंद्र राज नेता जी थे जो है इलाहाबाद के नेता, ये देख रहे हैं किस तरह का कतार है, जिस तरह से यहाँ पे लाखों की भीड़ दिख रही है। ये बौद्ध भिक्षु जा रहे हैं जो देश विदेश से आए हैं सारनाथ में परिक्रमा करने के लिए। आप देख रहे हैं लगातार जो है बुद्ध वंदना करते हुए रास्ते से पैदल चल रहे हैं। अब म्यूजियम में जाएंगे, अपनी प्रक्रिया करेंगे। अभी पीछे जो है करोड़ों की, लाखों में, हजारों में भीड़ आ रही बौद्ध भिक्षु अनुयायियों की। यहाँ पे काफ़ी महिलाएं भी हैं जो बौद्ध अनुयायी हैं। काफ़ी तादाद में यहाँ पे इंडिया के उत्तर प्रदेश के महिलाएं भी दिख रही हैं जो बौद्ध अनुयायी हैं। वो भी बौद्ध से काफ़ी जो है उनके विचारों से प्रेरित हैं, इसलिए यहाँ पे आई हैं प्रदर्शन दिखाने के लिए। हमारे साथ बने रहिए, हम अंत तक दिखाएंगे सारी रिपोर्ट। जिस तरह से यहाँ पे हजारों करोड़ों लाखों की भीड़ है हम दिखाने की कोशिश करेंगे। बहुत लंबी कतार है, हमारे कैमरे में कैद नहीं हो पा रही है जिस तरह से हम रिकॉर्डिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस समय जो है बीच लाइन के अंदर जो है मौजूद हैं और दिखा रहे हैं आपको जिस तरह से यहाँ पे कतार चली जा रही है अंदर म्यूजियम में परिक्रमा के लिए। आपको हम बार बार बता रहे हैं कि हजारों की लाखों की भीड़ है यहाँ पे बौद्ध अनुयायियों की। हम जानना चाहेंगे क्या उद्देश्य है सर, किस लिए कर रहे हैं, क्या बस हम लोगों का उद्देश्य है पूजा अर्चना करना बस। तो क्या कारण रहा इस तरह से जो प्रदर्शन दिखा रहे हैं? बस पूजा अर्चना करने के लिए हमारे उपासक बंधु लोग आए हैं और उन्हीं के साथ हम सब लोग पूजा अर्चना करने ही जा रहे हैं। कहा जा रहा नहीं कहा जा रहा कि कुछ दिन पहले जो है क्या कह रहे हैं, उससे कहने वाले क्या कह रहे हैं उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि हम सब पूजा अर्चना करना चाहते हैं और पूजा अर्चना करना जा रहे हैं, हमारे उपासक उपसाय सब सब पूजा अर्चना करने ही जा रहे हैं। कहाँ कहाँ से लोग आए हैं तभी? इलाहाबाद, गाजीपुर, बलिया, कौशाम्बी और जौनपुर, मतलब पूरे प्रदेश भर के लोग आए हैं, कुछ दूसरे स्टेट के भी लोग आए हुए हैं। तो क्या कहना चाहते हैं इसके माध्यम से, क्या बौद्ध अनुयायियों को क्या कहना चाहते हैं? बौद्ध अनुयायियों को ये कह रहे हैं कि आप अपने
धर्म स्थलों पे पूजा अर्चना करिए और अपने धर्म स्थल को बचाइए, रक्षा करिए, बस यही बात करना है। यहाँ पे जो है बौद्ध अनुयायियों का कहना है कि हम जो है पूजा अर्चना करने जा रहे हैं और वो भी अभी डर भी रहे हैं कि किस तरह से हम खुलासा करें, लेकिन हालांकि यहाँ मैटर जो है कुछ दिन पहले जो है बौद्ध भिक्खुओं को रोका गया था अंदर जाने से, प्रशासन ने रोक लगा दी थी कि अंदर मत जाइए, आप लोगों का अलाउ नहीं है, परमिशन लेकर आइए। हालांकि किसी भी धर्मों में ऐसा नहीं होता है कि जो है परमिशन लेके आए तब जाके दर्शन करें, लेकिन यहाँ पे रोक लगा दी गई थी, इसलिए यहाँ पे जो है परिक्रमा इस तरह का कर रहे हैं लोग, जो है लाइन लंबी कतार है, हज़ारों की भीड़ है, हम दिखाने की कोशिश करेंगे, लगातार हमारे साथ बने रहिए। बनाइए सर, बनाइए। यहाँ भगवान बुद्ध की दर्शन करने और कहते नहीं, इस तरह का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है कि हजारों की भीड़ है, करोड़ों की, लाखों की भीड़ जो भी है, तो क्या दिखाना चाहते हैं आप लोग? हम लोग दिखाना चाहते हैं कि जो अभी सरकार ये सोचती थी कि बौद्ध धर्म के अनुयायी नहीं हैं और बौद्ध धर्म के विचारधारा को ख़त्म करना चाहती सरकार, उसी के भी हम लोग अपना दिखाने आए कि देखिए बाहर पूरे देश में कम से कम करोड़ों करोड़ों की संख्या में लोगों के बौद्ध धर्म अनुयायी हैं। हमारे साथ में प्रकाश बौद्ध जी, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, जो है इलाहाबाद से हैं, वो विश्व बौद्ध महासंघ के वहाँ से कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या उद्देश्य है यहाँ पे आने का, क्या उद्देश्य है सर? हम भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना करने आए हुए हैं धम्मे के स्तूप में। जो क्या उद्देश्य देना चाहते हैं इस तरह से प्रदर्शन दिखाकर? ये प्रदर्शन नहीं है और ये लाखों बौद्ध अनुयायियों का एक आस्था है, आस्था का मामला है, और हम लोग आज लाखों की संख्या में यहाँ आकर के भगवान बुद्ध की पूजा वंदना अर्चना कर रहे हैं। कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, किस किस जिले से? लगभग मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि पूरे प्रदेश से लोग आए हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर पूर्वांचल और प्रयागराज, कौशाम्बी, सोनभद्र, चित्रकूट, मऊ, गाजीपुर, बलिया से ज़्यादातर लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कहा जा रहा है कि कुछ दिन पहले जो है प्रशासन के द्वारा बौद्ध भिक्खुओं को रोका गया अंदर जाने से। जी जी जी। तो क्या इसी के लिए जो है ये सब कर रहे हैं? नहीं, वो उनकी जो उनका काम तो वो कर रहे हैं, जो हमारा काम है वो हम कर रहे हैं। हमारा काम जो है, हम बौद्ध हैं और बौद्ध परंपरा के अनुसार हमको जो है भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना करने से वो हमारा मौलिक अधिकार है, वो हम करेंगे। चलिए, इसी लाइन में जो है प्रकाश बौद्ध जी से बात हुई, वो कह रहे हैं पूजा अर्चना करने आए हैं। हालांकि आपको बता दें कि इतना दबाव है इस शासन और प्रशासन से, सत्ता से, कि लोग खुलकर बोल नहीं पा रहे हैं, क्या कारण है इस तरह का प्रदर्शन दिखाने का। तो हम आपको दिखाएंगे, लास्ट तक दिखाएंगे, आपको बता दें कि जिस तरह से हम 2 किलोमीटर का रास्ता तय कर चुके हैं, जिस तरह से लाइनें हैं, हम आपको लगातार दिखाएंगे, आप बने रहिए हमारे चैनल। यहाँ पे सारे बौद्ध अनुयायी जो है बुद्ध वंदना करते हुए रास्ते से पैदल जा रहे हैं और म्यूजियम में जाएंगे, परिक्रमा करेंगे, उसके बाद बुद्ध अर्चना करेंगे, पूजा भी करेंगे, ये इनका संदेश है। क्या कहना चाहते हैं सब लोग? यहाँ पे हमारे साथ में जो है एक बौद्ध भिक्खु है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कहते हैं सर, क्या कहेंगे, क्या किस लिए जो है किया जा रहा है?
ये सब पूजा सामग्री के लिए किया जा रहा है। तो इतनी भीड़ दिखाने के क्या कारण हो सकते हैं, उसके पीछे का क्या कारण है? कारण तो यही है कि जैसे पहले पूजा मंदिर में अंदर पूजा का सामान नहीं जाने दे रहे थे, इसलिए हम लोग धरने में बैठे हैं। इसलिए पहले जो है लोगों को रोका गया, बहुत भिक्खों को रोका गया, इसलिए कर रहे हैं आप लोग? हाँ, ये सब अभी इसलिए हो रहा है। तो कहाँ से हैं आप? हम तो जौनपुर से हैं, अभी सारनाथ में ही रहते हैं हम लोग। किस लिए रोका गया ये आप बता सकते हैं? अब ये तो नहीं पता होगा, पुलिस लोग को ही पता होगा कि किस लिए रोकते हो लोग। अपना शासन प्रशासन का दबाव बनाया जा रहा है। हाँ, तो कितने लोगों की भीड़ होगी यहाँ पे? हमको लग रहा है लाखों की भीड़ होगी। अब ये तो नहीं पता, लेकिन बहुत ज़्यादा है। संख्या तो नहीं बता सकते गिन करके, लेकिन बहुत ज़्यादा संख्या है। तो आप भनते होकर क्या संदेश देना चाहते हैं सारे बौद्ध भिक्षुओं को, क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश बस यही देना चाहते हैं कि सभी लोग अपना क्रांतिकारी बने रहें और अपना जो व्यवहार है, अपना जो सम्मान है, सब बनाए रखें, अपना काम करें। चलिए, हम यहाँ जो है बौद्ध भिक्खु से भी बात की, वो कह रहे हैं कि पूजा अर्चना के लिए जा रहे हैं। अभी अभी बात खुलासा हुई है, उन्होंने कहा है कि जो पहले का मैटर था, प्रशासन के द्वारा अंदर जाने से रोका गया था, उसी मैटर को लेकर यहाँ पे ये सब प्रक्रिया की जा रही है। आपको लगातार दिखा रहे हैं हम। आप लोग लाइन डिसमिस मत करिए, आगे चलिए। लाइन में लग के चलते रहिए। हम लोग काफ़ी जो है 3 किलोमीटर का रास्ता तय कर चुके हैं इसी तरह से पैदल, लेकिन लाइनें ख़त्म होने के नाम नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे बौद्ध अनुयायी जो है बहुत ही ज़्यादा करीब में आए हैं और लाइन को कतार से बनाए हुए हैं और आगे जा रहे हैं। बुद्ध म्यूजियम में जाएंगे, वहाँ पे अपनी प्रक्रिया करेंगे। भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो। ऐसे मुलवान के डॉक्टर साहब आप बोलिए, आप किस उत्तर का है आपको बोलिए भाई। यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे, क्या उद्देश्य है बौद्ध अनुयायियों का आना यहाँ पे, किस लिए आए हैं आप लोग यहाँ? अभी हमारा जो बौद्ध स्थल है यहाँ का, जो बौद्धों का गौतम बुद्ध ने यहाँ सबसे पहले ज्ञान 5 लोगों को दिया था, और ये पूरा सारनाथ जो है बौद्धों का स्थल है। और यहाँ लोगों को, हमारे बनते लोगों को आज प्रशासन द्वारा रोक लगाया जा रहा है, और रोक लगाने का क्या मकसद है उनका ये नहीं पता, लेकिन ये गलत है। जब ये बौद्धों का पूरे स्थल है तो यहाँ जब सरकार इस पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास करते, पूरे भारत के जितने बुद्धिस्ट हैं आज के, आप लोग आज हम भी चल रहे हैं, आज सारे बुद्धिस्ट क्या हैं कि यहाँ आए हैं इस दिखाने के लिए कि हम भारत में बुद्धिस्ट कम नहीं है। अगर सरकार अगर इस पर रोक लगाना चाहे तो हम रुकने वाले नहीं हैं। अगर इसके लिए पूरे बुद्धिस्ट जो है जितने लोग आए हुए हैं, ये सारे लोग प्रण करते हैं कि अगर इसमें आने वाले कल में या अभी से सरकार अगर कोई अलग से अपना विचार और अलग से प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगी तो सारे बौद्ध एक साथ मिल करके इसका पुरजोर तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। कहाँ से हैं, आपके जिले से हैं? हम आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हैं और जहानागंज ब्लॉक से हैं। यहाँ पे काफ़ी युवा भी तेज तर्रार दिख रहे हैं, वो भी जो है गाइडलाइन तय कर रहे हैं। आप लोग चलते रहिए, हम दूसरे व्यक्ति से बात करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं। तो युवाओं से आप बात करते हैं, काफ़ी लोगों से बात कर चुके हैं। भैया क्या कहना, किस लिए आए हैं? हम लोग देखिए यहाँ पे दिन सारनाथ में दिन हमारे बनते लोग के दिन यहाँ पे रोका शासन प्रशासन, हम लोग यहाँ इकट्ठा होकर दिन दिखाने आए कि हम लोग यहाँ पे इतनी जनसंख्या है बुद्ध की, ठीक है भैया जी? हाँ, ये दिखाए आए हम। तो यहाँ पे इन लोगों ने अपना प्रदर्शन दिखाने के लिए आए हैं कि जिस तरह से यहाँ पे उन लोगों को रोका गया था, वो अपना दिखाने आए हैं कि कितने बहुत अनुयायी हैं यहाँ पे। हम लोग
यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाया जा रहा था, जिस तरह से जो है बौद्ध भिक्खु के अनुयायी जो है, बौद्धों को अनुयायी जो है पूरे देश से, प्रदेश से, बाहर से लोग आए हैं अपना प्रदर्शन दिखाने। यहाँ पे लाइनें ख़त्म होती दिख रही हैं, पीछे शासन प्रशासन भी हैं कुछ लोगों से। पीछे दिखाइए कैमरामैन से, हम कहेंगे कि इधर फिर से दिखाइए पीछे, जिस तरह से भीड़ जा रही है यहाँ पे, लाइनें ख़त्म हो गई हैं। हम कोशिश करेंगे फिर से आगे से दिखाने की। चलिए, धन्यवाद।